लोकेशन है तो मजेदार, अब वहां चल के देखते हैं क्या छुपा है इसके अंदर भी एक राज। राज क्या है उसको देखते हैं। मेन गेट जो बाहर एक दरवाजा है उसको खोलने के बाद पहुंचेंगे हम इस तरह की एक छोटी सी कॉरिडोर कह लो, राहदारी राहदारी कह लो, क्योंकि वो राहदारी भी मैं इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि ये राहदारी नजर तो आ रही है जो इस तरह बाजार है, लेकिन उसके साथ में इस तरह ऊपर सीढ़ियां भी जा रही और हैं नीचे ऊपर की बरामदे तरफ। में किचन भी बना हुआ है। ये है वो किचन जो अभी आप कह रही थी, नीचे किचन भी बना हुआ ओके है। इसके साथ क्या है, ये है एक दरवाजा इस किचन के साथ ही। ओके इस दरवाजे से हमने अंदर एंटर होना है और ये है रूम की कंडीशन जो एक छोटा सा बना हुआ अंदर रूम है, और ये एक उसका मुख्तलिफ एंगल, मैंने उसको मुख्तलिफ एंगल ओके से तस्वीरें हैं उसकी। ये एक पूरा व्यू है उस रूम का जहाँ पे हम पहुंचेंगे। और ये भी घर जो है ये अंदरूने शहर में ही मौजूद है। जी बिल्कुल अंदरूने शहर में मौजूद है। इसके बाद जो एक दरवाजा नजर आ रहा है ये एक वहाँ पे मैट्रेस भी पड़ा हुआ है, मेरे ख्याल में लेटने का निजाम है वहाँ पे। उसके बाद ये एक आपको और एक दरवाजा नजर आ रहा होगा, इसको क्रॉस करेंगे तो हम पहुंचेंगे इस तरह अच्छा एक एक और और कमरा। कमरा जो इसके साथ ही जुड़ा हुआ है, और उसी कमरे की एक और एंगल एंगल से मैंने तस्वीर बनाई जिससे क्लियर हो कि कमरे का साइज क्या है और किस तरह का बनाया हुआ है। इस कमरे के एक और एंगल, वो बेड वाली साइड है और सामने सिंगार मेज और ये वो ड्रेसिंग टेबल उनकी पड़ी हुई है। ऊपर एक ये कपड़ा दिया गया है, परछती टाइप बनाई गई अच्छा है। अच्छा ओके यानी एक जो ऊपर स्टोर होता है कमरे के यस बना हुआ उस पर उन्होंने दरवाजा नहीं है पर्दा डाला हुआ है और ये छत के साथ ये वाला स्टोर बना हुआ है। यस यस यू आर राइट। और इसको जब हमने हटाया तो इस तरह उनका काफी सामान पड़ा हुआ है। ये है हमारी लोकेशन जहाँ पे इस दफा जाके हमने पर्दा हटाना है उस छुपे हुए राज से जो इसके अंदर छुपा है। और इनका कहना क्या है इन लोगों का। छोटे छोटे इनके जो बच्चे हैं वो डर जाते हैं, अच्छा उनको कोई चीज़ नजर आती है वो चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं और बहू बहू की आवाज़ निकालते हैं, उनके चेहरे के एक्सप्रेशन बताते हैं कि बहुत ज़्यादा डरे कि हुए हैं, भूत है कोई। कोई ओके भूत ओके है। नाम शायद वो भूत का नहीं दे सकते लेकिन हाँ एक्सप्रेशन बताते हैं कि कोई भूत वाला सीन है। और इनको प्रॉब्लम ये है कि इनकी टीवी खुद ब खुद ऑफ हो जाना, ऑन हो जाना, पंखे का खुद ब खुद, लाइट का, और इस तरह की एक्टिविटी हो रही है जिससे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं कि ये खुद ब खुद नहीं हो रहा, कोई और है जो जो इसमें कर रहा है। इन्वॉल्व है और ऐसा कुछ कर रहा है और हमें ओके बाकायदा महसूस करवा रहा है। तो उन्होंने हमें बुलाया इन्वेस्टिगेशन के लिए, आए और आप पहुंचे और यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करें। अभी आपने एक बीच में जो मैं तस्वीरें दिखा रहा था आपने कहा था अंदरूने शहर में, बिल्कुल ही अंदरूने शहर में ये लोकेशन है। और कंफर्म कुछ लोग एड्रेस मुझसे पूछते हैं कि जी उसका कंफर्म एड्रेस बताएं, होता ही है कि पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, वो लोग हमें बुला तो लेते हैं कैमरे के सामने भी आगे इंटरव्यू शायद इसलिए नहीं देते कि लोग हमें ट्रेस कर देंगे, मोहल्ले में जहाँ पे वो रह रहे होते हैं अगर वो घर जिनात वाला मशहूर हो गया या लोगों को पता लग गया तो वो एक तमाशा क्रिएट हो जाएगा, उनकी जिंदगी बड़ी मुश्किल हो और जाएगी। जाहिर प्राइवेट प्रॉपर्टी के हम ये नहीं बता सकते कि कहाँ पर है किसकी है, लेकिन ये कि अंदरून लाहौर एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे आपको हर दूसरे घर में जो है वो इस तरह की चीज़ें मिलेंगी। मिलेंगी इसलिए जो लोकेशन होती है होती है बताने वाली, मैं जरूर बता देता हूँ, इस तरह की जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको मैं नहीं बता सकता। सो तैयार हो जाएं आप लोग भी और हम लोग तैयार करते हैं अपने आप को मेंटली तौर वहां पे पे जाने के लिए। जाने के लिए, टीम को फिर एक दफा हौसला देते हैं और देखते हैं चल के ढूंढते हैं इस छुपे हुए राज को। राज को चले हम लोग हमेशा की तरह जिस तरह हम रवाना होते हैं अपना दायरा कड़ा करते हैं, अल्लाह ताला का वो कलाम जो हमारे इर्द-गिर्द हिसार खींचता है वो हमने हमेशा की तरह आज भी खींच लिया। टाइम हो चुका है हमारे इन्वेस्टिगेशन का, बिस्मिल्लाह करें सामान अपना। हमारा घर में तब पंखा खुद बहुत चल पड़ता है, अच्छा टेलीविजन चल पड़ता है, अजीब वो गरीब आवाजें आती है रात को, चलने की आवाजें आते हैं, हंसने की आवाजें आते हैं, सारा घर जो है डरा हुआ है, डिस्टर्ब है इस वजह से, इसलिए मैंने आपको कॉल की थी। हमारे घर को देखते हैं चलने की आवाजें आती हैं, हंसने की आवाजें आती हैं, टीवी खुद खुद चल पड़ता है और पंखे चल पड़ते हैं, लाइटें चल पड़ती हैं, मतलब वाजे आपको लगता है आपके अलावा कोई है नहीं। अभी कितने अच्छे से हो रहा है, तकरीबन साल का हो गया है, एक साल से ही हो रहा है, एक साल से ये कंडीशन हो रही है। शीशा तोड़ दिया आपने, शीशा तोड़ने की जरूरत नहीं है, ओके ओके हम इस तरह बात करते हैं, ओके ओके आप बहुत ताकतवर हैं, मैं आपकी ताकत को तस्लीम करता हूँ। चलें
मेरे ख्याल में टाइम हो चुका, अब हम अपनी जो इन्वेस्टिगेशन है स्टार्ट करते हैं। अंदर आए ये है वो कमरा जिसका उन लोगों का कहना है रात को उनको एक्टिविटी नजर आती है। एक तो गर्मी बहुत ज्यादा है, ये क्या आवाज थी, किस चीज की आवाज आ रही, कोई आवाज है? हो सकता है उन्हें भी ऐसी आवाजें आती हो। ये वहम है या किस चीज की आवाज है, किस चीज की आवाज? हाथ वहीं का वहीं रह गया, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ लकड़ी का दरवाजा से आवाज आती है, लेकिन ये दरवाजा जो है ये लोहे का है, खोल ही नहीं रहा। नहीं, इससे ऐसी आवाज नहीं आ सकती, वो जो आवाज थी वो जिस तरह लकड़ी की कोई दरवाजा या बाहर भी नहीं, मेरा वहम था। असल में आलिया ये जो मखलूक है ना, अगर यहाँ पे है बकौल इन घर वालों के कहने के ये मखलूक यहाँ पे है, तो सबसे अहम सवाल ये है जो व्यूअर के जहन में भी आता होगा, ये घरों में क्यों है? इन्हें तो जंगलों में होना चाहिए था, सहराओं में होना चाहिए था, पहाड़ों में होना चाहिए था, रेगिस्तान में होना चाहिए, तो फिर ये यहाँ क्यों है? उसकी सबसे बड़ी रीज़न जो है वो ये है, ये जो महल आबाद हैं ये बहुत पुराने हैं, उस दौर के हैं पाकिस्तान बनने से भी पहले जब यहाँ पे हिंदू आबाद थे, और हिंदुओं के आज भी जितने भी घर हैं वहाँ पे इस तरह की ज़्यादा शिकायत पाई जाती हैं कि कोई है जो उनके अलावा भी उनको महसूस होता है कि उसका बसेरा है, और पाकिस्तान के बहुत से शहरों में जो बहुत पुराने खंडरात हैं जो इंसानी आबादी से दूर हैं या फिर इस तरह के घर हैं जो उन्होंने रीशेप तो दे दिया है, उनको रीशेप कर दिया, लाइक के तोड़ फोड़ के नया बना दिया है, उनको रेनोवेट कर दिया, रेनोवेट कर दिया, बट वो जो शिकायत हैं वो आज भी वहीं की वहीं खड़ी हैं। रीज़न क्या है, ये मखलूक इनके अबाओ अजदाद यहाँ पे बसेरा रखते थे तो वक्त के साथ इन मकानों में तब्दीलियाँ तो आ गईं, लेकिन उन्होंने अपने वो ख़ानदानी जो घर थे उनको नहीं छोड़ा। और हमें इन्वेस्टिगेशन के बाद अब ये पता चला है कि आप कहीं भी किसी भी इलाके में चले जाएं, खैर ये अंदरून का जो इलाका, अंदरून लाहौर है यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन किसी भी इलाके में चले जाएं हर दूसरे घर में इस तरह की चीज़ें मखलूकात जो है वो, ये सच है, आलिया ने बिल्कुल सही कहा आपने, और जो हमें फ़ोन जा रहे हैं लोगों के वो ये हर घर में जो पुराने बने हुए यही वही सोचते हैं। आगे वाला कमरा भी देखते हैं, लेकिन यहाँ पे भी कोई ना कोई सोता है, ये जो नजर आ रही है कंडीशन किसी के सोने की, अब हो सकता है कि इस वक्त भी कोई लेटा हो जो हमें नजर ना आ रहा हो, ये भी मुमकिन है। बात तो बहुत खूबसूरत ही आपकी, हो सकता है। यहाँ पे मैं एक टॉर्च को रख दूँ, मुझे टॉर्च की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस मामले कहते हैं कि जो घोस्ट हंटर हैं उनके हाथ में ये जो एक कैमरा होता है स्टिल फोटोग्राफी के लिए, बहुत से लोग सवाल भी पूछते हैं कि ये सर्कल है ये क्या है, डस्क मिट्टी के जो जरात होते हैं डस्ट के, जब वो उड़ते हैं तो वो भी सर्कल की सूरत में सामने, हाँ, डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, बिल्कुल सही, लेकिन कुछ एक मखसूस होते हैं जहाँ पे डस्ट नहीं होती, लाइक इस कमरे में डस्ट नहीं है, और वो जो सर्कल होते हैं वो सबसे हट के होते हैं, लाइक एक ऊंचा दरख्त है उसके ऊपर एक वाजे सर्कल बना है, जब आप उसको जूम करके देखते हैं वो एक बाकायदा शक्ल नजर आती होती है। इस तरह आलिया ने भी कहा कि यहाँ पे हो सकता है कोई लेटा है, कोई लेटा ही हो, उसको हम देख ही लेते हैं, शायद यहाँ पे कोई हो। मैंने काफ़ी तस्वीरें यहाँ जो बना रहा हूँ, तस्वीरों में तो मुझे कुछ ऐसा
साइन नहीं मिला। और ये एक छोटा सा कमरा है, ये दूसरा कमरा जहाँ पे ये बेडरूम है इनका, और इस बेड पे आलिया ने कहा, देखते हैं इस बेड पे शायद ऐसा कोई हमें रिकॉर्ड हो जाए जो लेटा हुआ हो। कोई इन्वेस्टिगेशन करते हुए कोई कीड़ा भी आपके जिस्म को आकर टच होता है तो हम लोगों का चौंकना इसलिए बनता है कि ये मखलूक अगर इस तरह आपको हाथ भी टच कर जाती है तो कैमरे में तो शायद रिकॉर्ड हम नहीं कर पाते लेकिन हमें पता लग जाता है किसी ने टच किया। तो अभी मेरे उंगली के ऊपर एक कीड़ा बैठा जो शायद अभी भी है, तो इन कीड़े पर भी हम चौंक जाते होते हैं। ये कीड़ा है छोटा सा, कैमरा अगर दिखा रहा होगा नजर आया, बल्कि आप छोड़ दें ये कैमरा दिखाएं, ये कीड़ा है नजर आ गया। और जरूरी इस कीड़े को दिखाने का मतलब ये था कि अगर इस तरह हमें कीड़ा भी टच कर जाए तो हम चौंक जाते हैं कि ये क्या हुआ है, किस चीज ने हमें टच तो नहीं किया, क्योंकि हम ऐसी जगह पे खड़े होते हैं यहाँ पे हमें पता होता है जिसके बारे में कहा गया है कि वो क्या महसूस हो रहा है। अभी तक तो जो आवाज में एक आवाज दरवाजे की थी उसके अलावा मुझे नहीं महसूस हो रहा जी, अभी तक तो नहीं हुआ। यस नहीं, तस्वीर में मैं नहीं समझता यहाँ पे कुछ हम रिकॉर्ड कर पाए। नहीं कुछ भी नहीं है सच, अभी तक तो हमने कोई इस तरह का साइन रिकॉर्ड नहीं किया। क्या जो चीज़ भी है हम आज उनसे मिलने के लिए आए हैं, हम उनसे क्या दुआ सलाम कर सकते हैं? अस्सलामु अलैकुम, क्या कोई ऐसी अल्लाह की मखलूक यहाँ पे मौजूद है जो हमारे इस्लाम का जवाब दे? अस्सलामु अलैकुम, शायद आलिया आप करें, आपके सलाम का जवाब दे दें जी। यहाँ पर अगर कोई भी मौजूद है तो हम आपसे मिलने आए हैं लेकिन आपको कोई भी नुकसान पहुंचाने नहीं आए। अस्सलाम वालेकुम, ये दरवाजा क्या हुआ? दरवाजा हिलाइए वाला, ये दरवाजा हिलाइए वाला। आलिया के सलाम के ऊपर ये दरवाजा, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। आपके सलाम के जवाब में तुरंत दरवाजा, वाजे तौर पे ये दरवाजा जो है इसकी आवाज आई है, यूं है। लेकिन अब चेंज है, नहीं ऐसी है, ऐसी है। और जो देखें, जो स्टार्ट में मैंने कहा था कि ये क्या है, ये आई है हमारे माइक में, के किस चीज की आवाज आई है हमारी माइक में? आवाज आई है, एक अजीब सी आवाज थी, एक अजीब गरीब सी थी, हम ये नहीं कह सकते किस चीज के हिलने की। ये तो ऐसे आवाज है जैसे अब जो आई है, ऐसे जैसे कोई चूहे मीटर के जरा इसको जरा चेक करने की कोशिश करते हैं। शीशा तोड़ दिया आपने, शीशा तोड़ने की जरूरत नहीं है। ओके ओके, हम इस तरह बात करते हैं। ओके ओके, आप बहुत ताकतवर हैं। EMF इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इसके चार मोड हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट जो है वो ये है कि 5 मिनट के अंदर अंदर कोई भी चीज अगर वहां पे मौजूद रही है तो ये बता देता है हाँ ऐसा है। और जो सेकंड है वो है 15 से 20 मिनट तक कोई भी चीज़ वहाँ पे मौजूद रही है तो उसको बताता है। थर्ड है करंट सिचुएशन जो है, अगर कोई चीज़ मौजूद है और ये क्या है इधर ये स्टिक हुई है, स्टिक हुई है। ये इसकी आवाज थी, शेख साहब को ही। अच्छा मैं ऊपर से गिरी है पता। अच्छा जी, यस मैंने उस वक्त शेख साहब, मैं इधर खड़ा देख ही रहा था, ऐसे चौंक रहा था, शेख साहब ने ओए उसी वक्त किया बिल्कुल, ये डरे हैं और मेरा भी उस तरफ ध्यान गया, ये बिल्कुल क्या है, ये वहम नहीं हो सकता।
जस्ट अ मिनट, ये मैं फिर करके देखते हैं। और इसको मैं आपको, ओहो ये क्या बात हुई, माय गॉड। ऑन करते ही ये देखें व्यूअर्स, ये मीटर है मेरे हाथ में, और ऑन करते ही आप दिखाया करो मीटर में, रुक चुका है उस तरफ है, जरूर उस तरफ, उधर ही स्टिक भी उधर ही लिया। नहीं इसका मतलब आपके पास कोई है? मेरे पास कोई है, इधर भी नहीं मेरे है। पास करके देखें, ये देखें व्यूअर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड करंट सिचुएशन में आपको बता रहा था कि उसी वक्त जो ये मैंने थर्ड मोड पे किया हुआ है कि जो चीज उसी वक्त उसके साथ मौजूद है ये बताई गई, ये यहाँ पे है, ये देखें। ओह माय गॉड, कैमरा उस तरफ क्यों नहीं घुमाया काश, बच्चे कैमरा फौरन उस तरफ दिखाओ। चलो स्टिक पे किया ना। और व्यूअर्स को एक चीज मैं शेयर कराऊं, तेज हो रही है एक्टिविटी, एक्टिविटी एक्टिविटी तेज हो रही है, बहुत ज्यादा तेज हो रही है। ये देखें कि हम चार लोग इस वक्त कमरे में मौजूद हैं, दो मेरे कैमरामैन हैं और आलिया और मैं मौजूद हैं। ये वकास इस वक्त पूरा कमरा घुमा के देखो, छोटा सा कमरा, जिस वक्त ये आलिया हैं, ये मैं हूँ और ये शेख आसिफ साहब मेरे कैमरामैन हैं, और ये जगह जहाँ पे ये इधर करके देखते हैं कोई चीज इधर इस्तेमाल हो गया हमारे साथ। लाइट नहीं है, लाइट नहीं है क्योंकि लाइट का भी होता तो शायद मेरा डाउट ऊपर 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 देखो कुछ गिरेगा तो नहीं सर पे, सर पे कुछ गिर ना जाए हमारे। ऊपर से आवाज आ रही है गैलरी से, एक मिनट, और ये देखिए ऊपर ही बज रहा है ना, नीचे तो बज ही नहीं रही, ये ज्यादा ऊपर बज रही है, ज्यादा एक्टिविटी। और ये देखें, ये देखें व्यूअर्स, हम लोग चार, या पता नहीं क्या, ये क्या है, शेख साहब अल्लाह अकबर, ये तो मरने वाली कंडीशन है यार, ये तो अपनी, ये भी देखिए वो जो पर्स है वो भी छोटी बच्ची का, और ये जो ये गिरा ये भी प्रेम है छोटे बच्चे का। क्या आप छोटे बच्चे हैं, आप जो भी हैं क्या आप छोटे बच्चे हैं? मुझे लग रहा है ये कहीं ऊपर ही बैठे हैं जो भी हैं, मुझे भी इस तरह का लग रहा है। और वो लेकिन अच्छा हैरत, ये देखिए ना ऊपर से, ये देखिए हमने जो आज, मैं बताऊं जो हमने आज पढ़ाई की है ना, एक्चुअली हमारी पढ़ाई का भी कुछ लेवल होता है। आज हमने पढ़ाई इस तरह की हुई है कि अगर जो चीज भी है, जो चीज भी है वो खुल के हमारे सामने है। ये देख रहे हैं आप इसका लेवल, देखें ऊपर गया कुछ, ऊपर है इधर देखें, ऊपर तो बंद ही नहीं हो रहा, ये क्या आवाज है, ये इधर 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 बंद हो जाते, ये इधर आते आते ये इस तरफ है कुछ। ओके ऊपर देखो, ऊपर के ओहो ओके 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 रिलैक्स रिलैक्स, ऊपर देखो ऊपर के ओप्स ओके 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 रिलैक्स रिलैक्स, ऊपर देखो ऊपर के ओप्स ओके 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 रिलैक्स रिलैक्स, गॉड लगा तो नहीं वकास, दोनों को लग गया, ओके रिलैक्स रिलैक्स, ये कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है, रिलैक्स। एक्चुअली हमने पढ़ाई का लेवल भी तो आज वो रखा है कि जो चीज भी है सामने आ जाए। व्यूअर्स क्या हमें बात शेयर करें कि आज हमने पढ़ाई इस तरह की है कि जो चीज भी है आज खुल के हमारे सामने है। ये रिस्की हो, ये रिस्की हो जाता है, और रिस्की ये होता है कि एक किस्म की उनके साथ छेड़खानी होती है। मीन आप उनको इस लेवल पे आप ये पढ़ाई करते हैं कि जो चीज भी है सामने है, तो उनको गुस्सा आता है, और गुस्से में डायलॉग मोड पे करके करें बात इतनी जल्दी, शायद हम इनको कैमरे में रिकॉर्ड करें। हाँ जरा सांस बंद हो रहा है, घुटन मजा आएगा, यहाँ ज्यादा घुटन और गर्मी हो रही है, बाहर आ जाए। क्या आप जिस तरह यह मुसलसल अपने आप को महसूस करा रहे हैं, इस कमरे में कुछ महसूस करा सकते हैं? उधर हम, मैं बल्कि अभी कुछ लम्हों के बाद मैं अकेला आपके साथ बैठना चाहूंगा, आप यहां सामने मौजूद हैं, अल्लाह ताला की मखलूक हैं, आपको भी उसी ज़ात ने पैदा किया है जिस ज़ात ने हमें पैदा किया है। मैं यहां सामने आपके साथ बैठना चाहूंगा अकेला, छोटा सा कमरा है, हम ज्यादा यहां पे लोग मौजूद हैं, शायद आप इस वजह से सामने आमने से कतरा रहे हैं।
हम सबके सामने आ सकते हैं? क्या छोटा सा कमरा जिसको वकास कहाँ है, उस कमरे को एक बार दिखा सकते हो? डरना नहीं है, मतलब बहुत क्या हुआ है? पीछे से लगा कोई धक्का दिया है? अल्लाह हू अकबर, अल्लाह हू अकबर, अल्लाह हू अकबर। अच्छा एक मिनट, मैं कासिम को कॉल करता हूँ। एक काम करते हैं, आपको हाथ लगाया बकायदा? कैमरा इनकी तरफ। आपको बकायदा क्या हुआ? मुझे लगा किसी ने कहा हट, इस तरह हाथ लगा के। और देखिए ये वही जगह है, वही दरवाजा है। शेख साहब को पहले बार डरता देखा है मैंने, अच्छा खासा डर गए। ये वही जगह है और वही दरवाजा है। मेरे को दिखाएं ध्यान से। देखो वहां पे जाते ही मीटर के हालात देखें। मैंने बोला है ना कि वहां पे है कुछ। ओके मीटर मैंने ऑफ कर दिया बगैर नुकसान पहुंचाए। नुकसान तो अल्लाह ताला बचाए हमें नुकसान से, क्योंकि हम बहुत कॉन्फिडेंस में हैं। डरते भी ज़रूर हैं, चीख भी निकल जाती है अभी जिस तरह लगाए। हम लोग डर भी गए हैं, लेकिन वो बहुत से लोग जो खाना कावा में हमारे लिए दुआ करते हैं, हमारे लिए बहुत हैं। और हमारा पढ़ाई को बावजू होना भी इस चीज़ की दलील है। क्या बात कर सकते हैं आपसे? आलिया आपको दोबारा सलाम करती है, आप इनके सलाम का जवाब देंगे? आलिया सलाम करें इससे। जी जैसे मैंने पहले कहा कि हम यहाँ पे आपसे मिलने आए हैं, लेकिन आपको कोई भी नुकसान पहुँचाने नहीं आए। हम आपको अस्सलाम वालेकुम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपको हमारा आना इतना बुरा लगा है कि आप अभी इतनी ही कुछ कर रहे थे कि एक चीज़ उड़ती हुई तो मेरे सर में भी आके लगी नहीं है, अगर बच गई है। वकास और आलिया दोनों के सर में लगी है बकायदा। आपने बहुत सी चीज़ें भी उठा उठा के फेंक दी, इसका अंदाज़ा हुआ आप गुस्से में हैं। क्या सलाम का जवाब देना भी पसंद नहीं करेंगे? अस्सलाम वालेकुम। आप लोग फिर बाहर जाएं, एक कैमरा मैन मेरे साथ रुक जाए यहाँ पे, और कोशिश करता हूँ मैं इनसे साइन लेने की, शायद दोबारा सामने आ जाए। शायद अकेले आप बैठे तो हो जाए। चलें आप लोग बाहर जाएं। शीशा तोड़ दिया आपने, शीशा तोड़ने की जरूरत नहीं है। ओके ओके हम इस तरह बात करते हैं। ओके ओके आप बहुत ताकतवर। टीम बाहर जा चुकी है, शेख आसिफ साहब और मैं इस कमरे में मौजूद हैं। मैंने इसलिए टीम को बाहर भेजा है कि हम सिर्फ दो बंदे हैं यहाँ पे। साइन तो आप बहुत ज़्यादा दे चुके हैं, अपना आप महसूस भी करा चुके हैं। टीम को बाहर भेजने का मकसद भी यही था कि मैं अकेला और एक कैमरा मेरे साथ है। शायद आप काफ़ी लोगों के ज़्यादा मौजूद, यहाँ पे हम लोग चार लोग मौजूद थे, तो शायद इस वजह से आप सामने नहीं आ रहे थे। अब हम सिर्फ दो बंदे हैं। ऐ अल्लाह की मखलूक, ऐ इंसानी आँख को ना नजर आने वाली मखलूक, क्या मैं आपसे दोबारा हम कलाम हो सकता हूँ? मेरी ख्वाहिश है मैं आपसे हम कलाम हूँ और मैं आपसे बात कर सकूँ, और मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। आप अपनी मौजूदगी का एहसास बहुत अच्छे तरीके से दे चुके हैं। लाइट अंदर झपकी है, लाइट नहीं, अभी मैंने एक लाइट देखी है झपकी है, आपसे बात कर सकूँ। अस्सलामु अलैकुम। मेरे पीछे ये दरवाज़ा मौजूद है, फिर मेरा झटका निकल गया है। ये दरवाज़ा मौजूद है और मैं हैरत की बात ये, सब लोग दूर दूर तक हैं। आप यहाँ थे, अब आप यहाँ हैं, क्या हैं आप, कहाँ पे हैं? अंदर की तरफ आएं शेख साहब, अंदर की तरफ आएं। ठीक यही कमरा था ना? ओके कासिम को मैं फोन करता हूँ। नाइट फैन जो दूसरे कमरे में है, यहां हमने लगाया। हेलो कासिम, आप अंदर आ जाओ, और जो नाइट वियन कैमरा है दूसरे कमरे में लगा हुआ है, वो नाइट वियन आके यहाँ पे लगा दो। शेख साहब फ्रेम एडजस्ट हो गया? आप ऐसे करें, आप भी बाहर चले जाएं और दरवाज़ा बाहर से बंद कर दें, और मैं कुछ देर के लिए यहाँ अकेला रहना चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।
मैंने सारी टीम को यहाँ से भेज दिया है। मैं आज यहाँ अकेला बैठा हूँ और आज से बात करना चाह रहा हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि मैं आपसे कोई बात कर सकूँ। आप मेरे सामने आ सकें क्या? आप इस कमरे में मेरे साथ अगर बैठे हैं, मौजूद हैं, क्या मुझसे बात कर सकते हैं? क्या मैं आपसे बात कर सकता हूं? पहला सवाल तो मैं आपसे ये करूंगा, मुझे पता है आप मौजूद हैं, क्या आप एहसास करा सकते हैं मौजूदगी का? कोई ऐसा इशारा दे सकते हैं जिससे मुझे पता लगे आप यहां पे मौजूद हैं, मैं अकेला नहीं हूं? क्या आपकी मौजूदगी को मैं यहां पे महसूस कर सकता हूं? आप भी उसी अल्लाह ताला को मानने वाले हैं? या अगर उसी अल्लाह ताला को आप नहीं मानते, आप मुसलमान नहीं हैं, किसी और मज़हब को मानते हैं, ओके, मैं यहाँ अकेला मौजूद हूँ, क्या मेरे अलावा कोई और है जिसको मैं कह सकूँ मेरे पास है? ये एक आवाज़ आई है, इस आवाज को मैं क्या समझूं? क्या कोई मेरे साथ मौजूद है? मेरे माइक ने भी यकीनन एक आवाज आपकी यहां इस सामने एक टेबल पड़ी हुई है, इस सामने वाली टेबल से एक आवाज आई है, अजीबोगरीब सी, जैसे कोई घसीटता है बाजू, नहीं, साथ वाले कमरे से आवाज आई है। मैं इसलिए इस कमरे में आके बैठा हूं कि आपने कुछ देर पहले यहां पे मुसलसल में साइन दिए थे। मैं इसलिए आपको यहां पे महसूस करना चाह रहा हूं। बहुत सी मिक्सअप आवाजें आ रही हैं, कोई दूर से, कोई नजदीक से। ये कपड़ा हिलाया आपने, मैंने वाजे देखा, वाजे ये कपड़ा आपने हिला दिया। बहुत शदीद गर्मी है, जिसे इस पसीने से अंदाजा हो रहा होगा कि मैं भीग चुका हूं, हवा नहीं चल रही। ये कपड़ा ऊपर वाला जो लगा हुआ हिला दिया आपने। नहीं, मुझे कैसा साइन चाहिए मेरे करीब? यहां आप मेरी बात का जवाब दे सकते हैं? आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? मैं आपका नाम पूछ सकता हूं? आपका नाम क्या है? बहुत सी मुझे इस तरह की आवाजें आ रही है। मैं इस पर बिलीव नहीं करता कि आप कोई चीज हैं, ताकतवर चीज हैं, और इतनी ताकतवर हैं कि आप इंसानों से ज्यादा ताकत रखते हैं। आई नो आप रखते हैं। इस वक्त मैं भी एक दायरा गढ़ा, अल्लाह ताला का कलाम जो मेरे इर्द गिर्द है, सारे आप मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। सबसे बड़ी अल्लाह ताला की ताकत मुझे महसूस कराएं आप यहां पर मौजूद हैं। मैं आपसे एक दोस्ताना माहौल में बात करना चाह रहा हूं, बिकॉज मैं और मेरे तमाम देखने वाले आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप उन्हें अच्छे लगते हैं, हम आपको देखना चाहते हैं, आपको महसूस करना चाहते हैं। अल्लाह ताला की बनाई हुई जो बहुत सी मखलूक है, उसमें जब भी मुखातिब किया गया, जिनो इंसान का लफ्ज आया, पहले जिन का लफ्ज इस्तेमाल किया गया, मैं उसी मखलूक के पास आया बैठा हूँ। लोग कहते हैं ये नहीं है, आप खटके कर रहे हैं, कोई बहुत सी शरारत कर रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं, क्या वाकई ये नहीं है या कुछ है? ये एक आवाज आई है, नहीं मैं आवाज नहीं, कुछ महसूस करना चाह रहा हूँ आपको। आप यहां पे हैं, इस घर वालों को महसूस होते हैं, बहुत ज्यादा महसूस होते हैं, हमें भी महसूस करा चुके हैं, कुछ वाजे महसूस करा सकते हैं? ये सबसे बड़ी बात, ये मेरा मीटर, ईएमएफ मीटर, इस चीज की सबूत है कि इस कमरे में जहां पे मैं बैठा हूं, जब मैं इसको ऑन करूं तो इसके अंदर इसकी ओके, आप इस जगह पे मेरे साथ बैठे हैं, यहां नहीं है, ओके, आप यहां हैं, मैं महसूस कर सकता हूं आपको? कोई बात करें मुझसे, मैं मतलब आपसे बात करना चाह रहा हूं, मतलब कुछ इस तरह का। नाम क्या है आपका? एक मुसलसल इस जो नहीं, मैं आप अगर आप अल्लाह ताला की आप भी बनाई मखलूक है, आप जिन हैं, आप बहुत ताकतवर हैं, बहुत
लोग आपको छलावा कहते हैं, बहुत से नामों से पुकारते हैं, मैं वाजे आपको आज महसूस करना चाह रहा हूँ। अल्लाह अकबर। अच्छा रहा हूँ, अल्लाह अकबर। ओके ओके, इन घर के किसी चीज़ को तोड़ने की ज़रूरत नहीं, आपने शीशा तोड़ दिया है, शीशा तोड़ दिया आपने, शीशा तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ओके ओके, हम इस तरह बात करते हैं। ओके ओके, आप बहुत ताकतवर हैं, मैं आपकी ताकत को तस्लीम करता हूँ, मैंने किया भी है। मेरा हरगिज़ मकसद ये नहीं था कि आप उनके किसी सामान को तोड़ें, आपने उनके शीशे को तोड़ा है। मेरा मकसद सिर्फ आपसे बात करना है, आपको हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वास्ता, इनकी किसी चीज़ को तोड़ें मत। ये उनका अपने बहुत बड़ा शीशा था, बकायदा तोड़ दिया है। ओके, मैं अपने इस मीटर के डायलॉग मोड पे आपसे बात करता हूँ और देखते हैं आपसे इस तरीके चले बात सही। ओके, मेरा मकसद आपको हरगिज तंग करना नहीं है, अगर आप मेरी वजह से तंग हुए हैं तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। ओके, मेरा मीटर ये तोड़ ही ना दें, गुस्से में है। ओके चले, मैं इसको ऐसे पकड़ लेता हूँ। क्या आप मुसलमान हैं? क्या आप मुसलमान हैं? क्या आप मुसलमान हैं? क्या आप मुसलमान हैं? आर यू मुस्लिम? आर यू मुस्लिम? आप बहुत लंबे अरसे से यहां पे रह रहे हैं, आप बहुत लंबे अरसे से यहां पे रह रहे हैं। यस ओके, क्या आप इन घर वालों को नुकसान पहुंचा सकते हैं? क्या आप इन घर वालों को नुकसान पहुंचा सकते हैं? मुसलसल एक आवाज भी आ रही है, नो। ओके, क्या आप मुझे नुकसान पहुंचा सकते हैं? यस, मुझे नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्या अगर जब मैं यहां से चला जाऊंगा तो उसके बाद इन घर वालों को आप तंग तो नहीं करेंगे? मेरे जाने के बाद आप इन घर वालों को तंग तो नहीं करेंगे? नो, मेरे जाने के बाद इन घर वालों को तंग नहीं करेंगे। तो मुझे क्यों तंग करना चाह रहे हैं? मतलब इसलिए कि मैंने आज आपको बुलाया है और पढ़ाई करके आपको यहां पे बुलाया है, इसलिए आपका मकसद मुझे आज नुकसान पहुंचाना है? यस, उन्होंने कहा यस, और ये उन्होंने बेड को भी लाया है। क्या मुझे यहां से चला जाऊं मैं? ओके 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 ओके, मेरे ख्याल में मैं यहां से जा रहा हूं, लेकिन आपने इन घर वालों को तंग नहीं करना। हम इस तरह की पढ़ाई करके जाएंगे कि इन घर वालों को तंग नहीं करेंगे। सर कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। फिर हमारी इन्वेस्टिगेशन जिसमें हम कुछ रिकॉर्ड करके लाए, और मैं चाहूंगा कि आपको जी जरूर दिखाएं आप। ये दरवाजा हिलाइए वाला जी। मदर साहब, एक सबसे पहले आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। इन घर वालों का कहना भी यही है कि उनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको कुछ ना कुछ ऐसा नजर आता है, जो उनके मुंह से अजीबोगरीब से लफ्ज निकलते हैं, बहू है, कोई अजीब सा वर्ड निकालते हैं जिससे उनको पता लगता है कि बच्चा डर चुका है। उसके एक्सप्रेशन यही होते हैं, वो डरा हुआ होता है, अजीब से वर्ड, बहू, बला और फलां सी चीजें। मुख्तलिफ मूवीज में भी यही दिखाया जाता है कि ये जितनी भी चीजें जो छोटे छोटे बच्चे हैं, मैच्योर नहीं है, उनको ये चीजें नजर आ रही होती हैं, बड़ों को नजर नहीं आती, तो ये क्या एक सिलसिला है? हाँ जी, ऐसा ही है कि इसमें जो ये चीजें हैं, हवाई चीजें और बेजरत चीजें हैं, वो बच्चों को नजर आती हैं। और इसके साथ जो जानवर हैं मुख्तलिफ किस्म के, मसलन कुत्ता है और गधा है, गधे को शैतान नजर आता है, जो शैतान होता है। लोकेशन है तो मजेदार, अब वहां चल के देखते हैं क्या छुपा है इसके अंदर भी एक राज। राज क्या है उसको देखते हैं। मेन गेट जो बाहर एक दरवाजा है उसको खोलने के बाद पहुंचेंगे हम इस तरह की एक छोटी सी कॉरिडोर कह लो, राहदारी कह लो, क्योंकि वो राहदारी भी मैं इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि ये राहदारी नजर तो आ रही है जो इस तरह बजाहिर है, लेकिन उसके साथ में इस तरह ऊपर सीढ़ियां भी जा रही हैं और नीचे बरामदे में किचन भी बना हुआ है। ये है वो किचन जो अभी आप कह रही थी, नीचे किचन भी बना हुआ है। इसके साथ क्या है? ये है एक दरवाजा इस किचन के साथ। इस दरवाजे से हमने अंदर एंटर होना है और ये है रूम की कंडीशन, जो एक छोटा सा बना हुआ अंदर रूम है और ये उसका मुख्तलिफ एंगल, मैंने उसको मुख्तलिफ एंगल से तस्वीरें हैं उसकी।
ये एक पूरा व्यू है उस रूम का जहाँ पे हम पहुंचेंगे। और ये भी घर जो है अंदरूने शहर में ही मौजूद है। जी बिल्कुल, अंदरूने शहर में मौजूद है। इसके बाद जो एक दरवाजा नजर आ रहा है, ये एक वहाँ पे मैट्रेस भी पड़ा हुआ है, मेरे ख्याल में लेटने का निजाम है वहाँ पे। उसके बाद ये एक आपको और एक दरवाजा नजर आ रहा होगा, इसको क्रॉस करेंगे तो हम पहुंचेंगे इस तरह। अच्छा, एक और कमरा जो इसके साथ ही जुड़ा हुआ है, और उसी कमरे की एक और एंगल से मैंने तस्वीर बनाई जिससे क्लियर हो कि कमरे का साइज क्या है और किस तरह का बनाया हुआ है। इस कमरे के एक और एंगल, वो बेड वाली साइड है और सामने सिंगार मेज और ये वो ड्रेसिंग टेबल उनकी पड़ी हुई है। ऊपर एक ये कपड़ा दिया गया है, परछती टाइप बनाई गई है। अच्छा अच्छा, ओके। यानी एक जो ऊपर स्टोर होता है कमरे के बना हुआ, उस पे उन्होंने दरवाजा नहीं है, पर्दा डाला हुआ है और ये छत के साथ ये वाला स्टोर बना हुआ। यस यस, यू आर राइट। और इसको जब हमने हटाया तो इस तरह उनका काफी सामान पड़ा हुआ है। ये है हमारी लोकेशन जहाँ पे इस दफा जाके हमने पर्दा हटाना है उस छुपे हुए राज से जो इसके अंदर छुपा है। और इनका कहना क्या है, इन लोगों का? छोटे छोटे इनके जो बच्चे हैं वो डर जाते हैं। अच्छा। उनको कोई चीज नजर आती है वो चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं और बहु बहु की आवाज निकालते हैं। उनके चेहरे के एक्सप्रेशन बताते हैं कि बहुत ज्यादा डरे हैं, कि भूत है कोई। कोई भूत है, नाम शायद वो भूत का नहीं दे सकते लेकिन एक्सप्रेशन बताते हैं कि कोई भूत वाला सीन है। और इनको प्रॉब्लम ये है कि इनकी टीवी खुद ब खुद ऑफ हो जाना, ऑन हो जाना, पंखे का खुद ब खुद, लाइट का, और इस तरह की एक्टिविटी हो रही है जिससे वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं कि ये खुद ब खुद नहीं हो रहा, कोई और है जो इसमें इन्वॉल्व है और ऐसा कुछ कर रहा है और हमें बकायदा महसूस करवा रहा है। तो उन्होंने हमें बुलाया इन्वेस्टिगेशन के लिए, आए और आप पहुंचे और यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करें। अभी आपने एक बीच में जो मैं तस्वीरें दिखा रहा था, आपने कहा था अंदरूने शहर में, बिल्कुल ही अंदरूने शहर में ये लोकेशन है। और कंफर्म कुछ लोग एड्रेस मुझसे पूछते हैं कि जी उसका कंफर्म एड्रेस बताएं। होता ही है कि पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, वो लोग हमें बुला तो लेते हैं, कैमरे के सामने भी आगे इंटरव्यू शायद इसलिए नहीं देते कि लोग हमें ट्रेस कर देंगे। मोहल्ले में जहाँ पे वो रह रहे होते हैं, अगर वो घर जिनात वाला मशहूर हो गया या लोगों को पता लग गया तो वो एक तमाशा क्रिएट हो जाएगा, उनकी जिंदगी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। जाहिर प्राइवेट प्रॉपर्टी के हम ये नहीं बता सकते कि कहाँ पर है, किसकी है, लेकिन ये कि अंदरून लाहौर एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे आपको हर दूसरे घर में जो है वो इस तरह की चीजें मिलेंगी। इसलिए जो लोकेशन होती है बताने वाली, मैं जरूर बता देता हूँ, इस तरह की जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको मैं नहीं बता सकता। सो तैयार हो जाएं आप लोग भी, और हम लोग तैयार करते हैं अपने आप को मेंटली तौर पे वहाँ पे जाने के लिए, जाने के लिए। टीम को फिर एक दफा हौसला देते हैं और देखते हैं, चल के ढूंढते हैं इस छुपे हुए राज को। राज को।